बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। शबे बरात के हवाले से, 15 शबान की रात के हवाले से आज मैं आपको इलायची का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जो जो बंदा ये अमल कर लेगा इंशाल्लाह उसका घर दौलत से, रिस्क से, पैसों से भर जाएगा। उसके घर में कभी भी दौलत की कमी नहीं आएगी, गरीबी घर से भाग जाएगी, अमीरी घर में दाखिल हो जाएगी, हर तरह के हालात सुधर जाएंगे और घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। आज का ये जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये शबे बरात की रात को करना है आप लोगों ने, जिसके आने में बस चंद ही घड़ियां बाकी हैं, चंद ही लम्हात बाकी हैं। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फायदा होगा और ऐसा फायदा अपनी आंखों से देखेंगे कि घर में रिस्क और दौलत के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे। आज हर इंसान परेशान है, किसी को जानी परेशानी लगी है, किसी को माली परेशानी लगी है, किसी को घर बनाने की परेशानी लगी है, किसी को दौलत में कमी की वजह से परेशानी लगी है। हर आदमी जानता है कि हर अच्छे या बुरे अमल का रद्द अमल जरूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली चीज इंसान के अच्छे या बुरे अमाल होते हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराजगी से होता है। अल्लाह ताला ने हालात को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, इंसानी अमाल से जोड़ा है और उनसे वाबस्ता फरमाया हुआ है। सेहत हो, बीमारी हो, नफा हो, नुकसान हो, खुशी हो, गमी हो, महंगाई हो, तूफान हो, सैलाब हो, ये सब हमारे नेक और बद अमाल का ही नतीजा होते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें कि मालो दौलत, इज्जत, शोहरत, सेहत, तंदुरुस्ती, राहत, सुकून, यानी दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला के खजाने में है और अल्लाह ताला की मलकियत में है। जब हर नेमत अल्लाह ताला के खजाने और मलकियत में है तो फिर सोचिए कि वो मालिक, वो अल्लाह की जात जिसके दरबार में ना ही चोरी मुमकिन है और ना ही जबरदस्ती सिफारिश मुमकिन है, उसको राजी किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला को राजी करके, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके ही परेशानियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, राहत और सुकून हासिल किया जा सकता है और हर तरह की परेशानी से निकला जा सकता है। दुनिया के जितने भी खजाने हैं, मालो दौलत, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। वो जिसको चाहे ज्यादा दे दे, जिसको चाहे कम दे दे, सब उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। तो आज मैं आप लोगों को शबे बारात की रात के हवाले से एक अमल बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने 5 इलायची लेनी है। 5 इलायची आपके घर में मौजूद होंगी या दुकान से मंगवा सकते हैं, बाजार से मंगवा सकते हैं। 5 इलायची मंगवा कर आप लोगों ने उन 5 इलायची पर ये अमल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमल क्या है कि 5 इलायची ले लें और हर इलायची के एक एक दाने पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 5 इलायची अपने सामने ले रखी हैं। अब आपने क्या करना है कि एक इलायची को पकड़ना है, उस इलायची पर आप लोगों ने एक मर्तबा सूरह इखलास, एक मर्तबा सूरह कौसर, एक मर्तबा सूरह नसर और एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और उस इलायची को एक साइड पे रख लेना है। उसके बाद फिर दूसरी इलायची लेनी है, उस पर भी ये सूरतें पढ़नी है और आयतल कुर्सी पढ़नी है और उसको साइड पे रख देना है। इसी तरह आपने क्या करना है कि 5 इलायचियों को लेकर उन पर ये सूरतें, सूरह इखलास, सूरह कौसर, सूरह नसर और एक आयतल कुर्सी, इनको एक एक बार आपने 5 इलायचियों पर पढ़ के इनको साइड पे रख देना है। जब साइड पे रख दें तो फिर सारी इलायचियों के ऊपर आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक या रज़ाकू या वहाबू 30 मरतबा आप लोगों ने ये पढ़ना है। 30 टाइम्स 30 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये इस्म मुबारक पढ़ के फिर उन 5 इलायचियों पर फूंक मार देनी है और फिर क्या करना है, उन 5 इलायचियों को आप लोगों ने एक सब्ज रंग के कपड़े में लपेटना है। छोटा सा सब्ज रंग का कपड़ा काट लें और उसको काट कर इन इलायचियों को उस सब्ज रंग के कपड़े में लपेट लेना है। अब लपेटने का तरीका भी सुन लें कि वो किस तरह से लपेटना है कि 5
पंचों इलायचियों को नहीं लपेटते ना, छोटे छोटे पांच टुकड़े काट लें और उन पांच टुकड़ों पर एक एक इलायची को रख कर अच्छी तरह से उन कपड़ों को उन टुकड़ों को लपेट लेना है। अब उन पांच कपड़ों को जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनमें आपने एक एक इलायची रखी हुई है उनको अलग अलग जगह पर रखना है। और वो अलग अलग जगह कौन सी है, एक इलायची को आप लोग अपने किचन में रख दें महफूज जगह पर, एक इलायची को आप लोग अपने बटुए में रख लें अपने पर्स में रख लें, एक इलायची को आप लोग अपनी सेफ अलमारी में रख लें जहाँ पे आपके कपड़े होते हैं आपके पैसे पड़े होते हैं गोल्ड पड़ा होता है वहां पे रख दें, एक इलायची को अपने सिहन में रख दें ऊंची जगह पर, और एक इलायची को अपनी दुकान में रख लें अपने दफ्तर में रख लें या आपका कोई भी काम है जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पर रख दें। बस इतना सा आप लोगों ने काम कर लेना है। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पांच इलायचियों को लेकर, तीन सूरतों को, एक आयतुल कुर्सी को और अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारकों को पढ़कर अलग अलग कपड़े में छोटे छोटे कपड़े में एक एक इलायची को बंद करके रख देना है। जिस जिस जगह पर रखना है वो आप लोगों को बता दिया गया है। ये अमल आप लोग कर लें, यकीन करें कि आपके घर में दौलत की इतनी बारिश होगी, इतना दौलत में इजाफा होगा कि आप कहेंगे काश हमें ये अमल पहले बता दिया होता। इससे पहले मैंने लोगों का अमल बताया था, वो भी माशाल्लाह काफी लोगों ने किया। आप लोग इस अमल को भी करके देखें, इंशाल्लाह आपको उससे भी ज्यादा फायदा होगा। इस अमल को करना कभी मत भूलिएगा। अपने तमाम दूसरे बहनों और भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।